गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका नेपाल के नए एपिसोड में। और हम लोग अभी रुके हुए जिस एरिया में, उस एरिया में बहुत सारे गेस्ट हाउस है। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग कितना मुश्किल से बाय स्प्लेंडर नेपाल पहुंचे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नेपाल के आसपास के इलाके, आप कहां घूम सकते हो और कैसे घूम सकते हो। और मैं आपको बजट भी दिखाऊंगा। और मेरा होटल दिख रहा है आपको, देवी दुर्गा गेस्ट हाउस, नेपाल में सबसे सस्ता यही होटल दिख रहा था, 402 रुपये इंडियन का। तो इसी को बुक कर लिया। और आसपास आप देखो बहुत सारा होटल्स है, खाना पीना सब मिलता है। ठीक है, फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं काठमांडू सर और एक्सप्लोर करते हैं साथ में। नेपाल सीरीज का आज मेरा पहला दिन है। मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट इम्प्रेशन यह कंट्री मुझे बहुत प्यारी लगी भाई, एकदम खतरनाक वाले सीन्स। गाइस, तो काठमांडू का हम लोग का पहला डेस्टिनेशन जो है वो पशुपतिनाथ टेम्पल है, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लोर करने आए हैं। तो यहाँ आपको सामने दिख रहा, ये रहा पशुपतिनाथ टेम्पल, अभी अंदर नहीं मिले। और अंदर जो है ना परिसर में, वहाँ पर कैमरा वगैरह करना अलाउ नहीं होता है, अदरवाइज़ आपको बहुत तगड़ा फाइन लग सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आपको पता ही होगा अगर आप काठमांडू आ रहे हो तो। और काठमांडू को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर आपको बहुत सारे हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे। और यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। पशुपतिनाथ, मैंने बताया आपको पीछे वीडियो में कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसके अंदर वीडियोज़ और फोटोज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप फोटोज़ और वीडियोज़ लेते तो आपको एक तगड़ा फाइन भी देना पड़ सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर है उसके अंदर, और इसके आगे तक रिकॉर्ड कर सकते हैं मंदिर परिसर में, लेकिन इसके और जैसे जैसे आगे जाओगे मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। यहाँ देखो छोटा सा मंदिर शिव भगवान। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ आकर अगर एक बार भी दर्शन कर लेते तो आपको पशु योनि से मुक्ति मिल जाती है, यानी आप अगले जन्म में पशु पैदा नहीं हो सकते हो। और जो सामने आपको दिख रहा है, ये रहा पशुपतिनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट, इसके आगे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं तो ऐसा माना जाता है, स्टोरीज तो बहुत सारी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर आते हो और यहाँ अगर पशुपतिनाथ जी का दर्शन करते हो, जो कि बेसिकली जो है शिव जी का एक रूप है, तो आपका जो अगला जन्म होगा ना वहाँ पर आप पशु योनि से मुक्त हो जाओगे, यानी कि आप पशु नहीं बन सकते, आप पशु का जन्म नहीं लेते, ऐसा माना जाता है। तो मैं भी एक बार अंदर जाके बाबा के दर्शन करके था, तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। और इस मंदिर की कहानी जो है वो चार धामों में से एक उत्तराखंड से भी जुड़ी हुई है, जो कि केदारनाथ है। कहते हैं कि महाभारत के बाद जब पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे, तब भोले बाबा उन्हें उनकी तपस्या को देखते हुए भैंसे के रूप में दर्शन देने आए। बाद में भैंसे के ही रूप में वो धरती में समाने लगे, तो भीम जो थे वो उनकी पूछ पकड़ ली। और जिस स्थान पर यह घटना है उसे आज केदारनाथ कहा जाता है। यहाँ पर भैंसे के पिछले भाग की पूजा शिवलिंग के नाम पर रूप पर की जाती है। और जिस स्थान से उनका मुख धरती से बाहर आया, उन्हें आज उन्हें हम लोग पशुपतिनाथ नाम से जानते हैं। इसी वजह से और सारी घटनाओं और कहानियों को देखते हुए पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ मंदिर के आधा भाग माना जाता है। और इस वजह से पूरे भारत से लोग यहाँ इसके दर्शन करने भी आते हैं। ठीक मंदिर के पीछे आपको देखने को मिलता है बागमती रिवर, जहाँ नदी के एक साइड पर पूजा वगैरह होती है और दूसरे साइड पर चिताएँ जलाई जाती है। बहुत ही प्यारा सा घाट है, थोड़ा सा यहाँ माहौल सेंसिटिव वाला है, शांति वाला है। और अगर आप पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं तो आप इसके पीछे आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत घाट है देखने के लिए। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं और इधर रहा हम लोगों का बाइक। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह को खाए थे, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बौद्ध स्तूपा करके एक जगह है वहाँ पर, फिर एक पीस पार्क है। और अगर आपको बताऊँ तो भाई यहाँ का पार्किंग देख रहे हो, यहाँ पर हेलमेट छोड़ के गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है।
तो सेफ्टी तो है भाई नेपाल में एज कम्पेयर टू इंडिया। तो गाइज हम लोग अभी दूसरा लोकेशन जा रहे हैं बैद्यनाथ स्तूपा पे, बैद्यनाथ स्तूपा पे। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है और हर जगह पार्क नहीं कर सकते, नो पार्किंग का बोर्ड्स भी लगा हुआ है। आई हाय हरियाली भाई, हरियाली में पार्क कर दे क्या। ओह गॉड, एक बार मिला दे। तो भाई बहुत मुश्किल के बाद पार्किंग मिला है, लेकिन पे पार्किंग भाई, आई मीन पे करते पैसा यहाँ और बोलना के स्तूपा जाते हैं। तो गाइज ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पीस पार्क, और जो आपको सामने एक दिख रहा है मूर्ति वो इन नेपाली कल्चर का कोई मूर्ति है। और पीस तो है पार्क टाइप में बना हुआ है, सब साइड में बैठे हुए और बीच में पानी। और ये 2700 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही प्यारा सा गार्डन जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बीच में एक बौद्ध गुरु की प्रतिमा बनी हुई है और उसके बगल में एक आर्टिफिशियल पोंड बनाया गया है। ओवरऑल इन चीज़ों को मिलाकर एक बहुत ही प्यारा पार्क बनाया गया है यहाँ। और यहाँ सामने बोर्ड दिख रहा है, यहाँ लिखा है टिकटॉक बनाना मना है, क्योंकि नेपाल में टिकटॉक बैन नहीं है, तो नेपाल में सब टिकटॉक के वीडियो शायद बनाते हैं, इसलिए लिखा हुआ हर जगह कि टिकटॉक बनाना बैन है। सामने दिख रहा है तालाब में पानी, ग्रीन और रेड कलर का मछली अंदर वो देखो दिख रहा है हल्का हल्का। पौंड के चारों तरफ जो बौद्ध लोग हैं वो परिक्रमा भी कर रहे हैं। बहुत ही प्रीशियस और पवित्र जगह है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। और एक चीज़, यहाँ पर एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं, अगर आप यहाँ आते हैं तो चुपचाप से 15-20 मिनट बैठ सकते हैं और पिक्चर्स फोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। और ये रहा यहाँ का कुंड, आप देखो सबके सब अगरबत्ती जो है। पीस पार्क से जस्ट 2 मिनट आप अगर वॉक करते तो आपको मिलेगा बौद्ध स्तूप, जो कि बहुत ही बड़ा एक विपासना सेंटर है। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, चाहे वो नेपाल के हो, बौद्ध धर्म के हो, तिब्बत से आए हो या फिर चाइना से आए हो, वो इस स्तूपा की परिक्रमा कर रहे हैं। तो गाइस जो आपको सामने ये दिख रहा है ये है बौद्धनाथ स्तूपा, जो कि माना जाता है नेपाल का सबसे बड़ा स्तूपा है। और आप यहाँ देखो कि बौद्ध धर्म का जो है जितना कोई है ना सबके सब आए हुए, और ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है देखा जाए तो। पीछे भी एक मंदिर है और इधर भीड़ तो है, सब फोटोज के लिए लाइन पे लगे हुए, लेकिन थोड़ा शांति है। और शांति स्तूपा के बगल में आप देखो कि पूरा का पूरा जर्मन और यूरोपियन स्टाइल में बिल्डिंग्स बना हुआ है, लग रहा है ऐसा नहीं कोई यूरोपियन कंट्री में आ गया। देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टिकटॉक बनाना मना है, मतलब यार टिकटॉक में हुड़दंग होता है और डांस वांस करती हुई लड़की आके, तो इसीलिए टिकटॉक को बनाना बैन है यहाँ पर, पूरा एप्लीकेशन भी बैन कर दो इंडिया की तरह। और एक बात अगर मैं आपको बता दूं तो ये स्तूपा नेपाल के अलावा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा है। इसकी टोटल हाइट 36 मीटर है यानी कि 118 फीट। और तो और ये मोनेस्ट्री भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। और कहानी ये भी है कि इस स्तूपा में भगवान बुद्ध के अस्थियों का कुछ अंश भी रखा गया है। इन्हीं सब रीजनों के कारण बौद्ध धर्म में ये जगह बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये भी है कि मस्ट विजिट प्लेस अगर आप काठमांडू नेपाल में घूमने आ रहे हो तो। शांति स्तूपा तो घूम लिया गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं डरबन स्क्वायर, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर है राइट। और अगर आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर रैपिडो वाला भी ले सकते हो अगर आप सोलो आए हो, तो अगर आपके पास बाइक है तो फिर वेल एंड गुड। राइट उधर ना जगह थोड़ी ना पार होने का जगह नहीं, आगे जाना होगा। और भाई नेपाल में ट्रैफिक क्या बताए, बहुत भयंकर होता है और हरियाली हरियाली चारों तरफ, खतरनाक सीन्स गाइस। तो फाइनली इतना घूमने के बाद समझ आया कि क्या खाएं, तो हमने चाउमीन ऑर्डर किए हैं और आलू चना, पता नहीं कैसा आता है, देख के खा के बताते हैं। ये थक गए भाई भयंकर वाला, सुबह से दोपहर को ही खाए तो उसके बाद कुछ खाए नहीं, एनर्जी पूरा डाउन हो गया, बोल भी नहीं पा रहे सही से। तो
तो भाई जैसे यूरोप और अलग कंट्रीज में नहीं होता है कि स्क्वायर, उसी तरह का यहाँ भी स्क्वायर बना हुआ जिसका नाम है फल्टन बाजार स्क्वायर। और ये जगह भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। इस स्क्वायर को लेकर एक छोटी सी कहानी है। दरबार स्क्वायर पहले राजाओं का कोर्टयार्ड हुआ करता था, जैसे काठमांडू, भक्तपुर, पटन दरबार स्क्वायर छोटे छोटे देश हुआ करते थे, जिनको गोरखा के राजा ने मिलकर सबको मिलाकर नेपाल बनाया। और जो बौद्ध एरिया हुआ करते थे वो ट्रेड हब के रूप में यूज किए जाते थे। और गाइस देखो शाम का 7 बज रहा, लेकिन इधर अभी अंधेरा नहीं हुआ। इंडिया में होता तभी तक अंधेरा हो जाता है, लेकिन इधर नहीं हुआ है। और अगर आप दिन भर घूम रहे हो नेपाल में तो शाम के वक्त आप आ सकते हो पल्टन बाजार। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब मस्त चिल कर रहा बैठा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ तो समय के साथ साथ ये जगह बहुत डैमेज भी हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है नेपाल एक भूकंप प्रोन एरिया है, तो कुछ कुछ समय पे यहाँ भूकंप आते रहता है। तो कुछ एरियाज डैमेज है जो कि अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस जगह को काफ़ी साफ़ सुथरा और मेंटेन रखा गया है। और पूरे नेपाल में 3 दरबार स्क्वायर है, पटन, काठमांडू और भक्तपुर दरबार स्क्वायर। तो तीनों जगह आपको सेम स्ट्रक्चर, मारवाड़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो पटन दरबार स्क्वायर, तो आप अगर काठमांडू आते हो तो ये दरबार स्क्वायर शाम के वक्त पे प्राइम स्पॉट होगा, सो बिल्कुल मिस मत करना। और जो ये दरबार स्क्वायर है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा भाई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी नाम सुना है और देखा भी होगा, उसकी शूटिंग पता है यहीं पर हुई थी। अब देखो लोकेशन, थोड़ा बहुत VFX का यूज हुआ था, बाकी पूरा का पूरा फिल्म यहीं पर शूट हुआ था। और बगल में मस्त शानदार शानदार कैफेज है, जहाँ पर भाई रेट पूछो ही मत, एक एक्सप्रेसो 400-500 नेपाली में लग जाएंगे, जो कि लगभग हो गए 150-200 इंडियन करेंसी। तो महंगा है भाई, लेकिन है कि आप शाम के वक्त आओ, मस्त से चिल करो, आपको दिखेगा कि सब बैठे हुए हैं और मस्त चिल कर रहे हैं। सो इट्स टाइम टू गो बैक होटल गाइज, क्योंकि बचा हुआ काठमांडू हम लोग अगले दिन एक्सप्लोर करेंगे। रात हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।